सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स जो न्यूली इंस्टॉल्ड हुआ है मेरे घर में, और इसमें काफ़ी सारे मतलब फीचर्स आते हैं, लेकिन आप ऐप इंस्टॉलेशन बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कितने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए। यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किए हैं, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उस उन सबको मैंने बिना पीसी के इंस्टॉल किया है। तो ये प्रोसेस पूरा बताऊँगा, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे पहले मैं बताऊँगा कैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, सारे एप्लीकेशन को बिना पीसी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने के लिए ना आपके जो फ़ोन में ना एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बगजिगर। इसको ना इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो फुल प्रोसेस वीडियो वो जल्दी आएगा, उसके पहले मैं अभी आपको जो भी एप्लीकेशन को टेस्ट करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले व्हाट्सएप भी इंस्टॉल किया था, उसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं और पूरा सपोर्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। और काफ़ी सारे एप्लीकेशन सारे मैं ट्राई करके दिखाऊंगा। और दूसरा है यहाँ पर देख लो, काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन वर्क करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी मैं ही लूँगा, क्योंकि इसका सारे एप्लीकेशन मैंने मॉड किए। तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन जो है वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर FX फाइल मैनेजर भी यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ से आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। पहले मैं बता दूँ, इन सब के लिए आपके फ़ोन में रूट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपका फ़ोन होना चाहिए बस। और उसके बाद आप जो भी प्रोसेस करोगे वो फुल बताऊँगा। और ये देख लो, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पैच फॉर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और ऐसे करके ना आप सारे एप्लीकेशन अपने जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स में जो भी मैंने इंस्टॉल किया है, साथ साथ सेंड फाइल्स टू टीवी भी इंस्टॉल किया है। प्ले स्टोर बता दूँ, प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि प्ले स्टोर में ना ओपन करते हो बैक चले जाता है, चाहे गूगल प्ले सर्विस इंस्टॉल करो या फिर ना करो, तो प्ले स्टोर वर्किंग नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर एप्लीकेशन वो सारे वर्क कर रहे हैं, और जियो के जो खुद के एप्लीकेशन होते हैं ना जो सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल है, वो तो यहाँ पे अच्छे से ही वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसके लिए ना किया क्या, मैं बताऊँगा अभी वीडियो में, अगले वीडियो में फुल डाउन प्रोसेस बताऊँगा। तो एक्चुअली मैंने किया क्या कि इस वाले जो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किया ना, वो सब करने के लिए मैंने जो जियो फाइबर का वर्जन है उसको मैंने डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड करने के बाद सारे जो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर दिया अपने जियो का सेट टॉप बॉक्स में बिना पीसी के, ठीक है। तो जो प्लस पॉइंट है वो बिना पीसी का आप कर सकते हो, बस एक OTG केबल की ज़रूरत पड़ेगी और जो एप्लीकेशन बताया उसकी, और दूसरा है आपको एक डेटा केबल, ठीक है। ये सारे आपके पास अगर है तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना कि जो डेटा केबल है, ठीक है, जो डेटा केबल है वो आपको टाइप जो होता है ना माइक्रो USB पोर्ट वैसे ही रहना है, मतलब दोनों तरफ से आपको यहाँ पे जो USB पोर्ट ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर जो सेटअप बॉक्स है इसमें आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।